हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका। थर्ड ईयर में आपको मैं पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके टोटल 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट क्वांटम से रिलेटेड है, जिसमें अब्सॉर्प्शन का भी कुछ पार्ट है। ठीक है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, और फिफ्थ यूनिट जो है सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है। यहाँ सबसे पहले मैं सेकेंड यूनिट स्टार्ट करूंगी, क्योंकि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है कंटिन्यूटी में है, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकेंड, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूनिट सेकेंड स्टार्ट करने से पहले आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स का नॉलेज होना जरूरी है, जो पूरी यूनिट में काम आएगी। ओके, तीनों यूनिट में तो वो पढ़ेंगे आज थोड़ा। और इससे पहले जो है, सबसे पहले बता दूं स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम करते क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम करेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक सूटेबल रेडिएशन अब्सॉर्ब करके, क्या मॉलिक्यूल्स जो है वो सूटेबल रेडिएशन अब्सॉर्ब करके, उसका अवशोषण करके एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में उनका ट्रांजिशन होता है, वो जो हम पढ़ते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है। क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी? एक टेक्निक है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं मैटर के साथ। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन पढ़ते हैं किसी भी मैटर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मान लो कोई मैटर है जिसमें कोई मॉलिक्यूल है। ओके, ये मान लो उसके दो एनर्जी लेवल है। फाइन, ये दो एनर्जी लेवल है। अब यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल पड़े है। ठीक है, यहां से क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक क्वांटा अब्सॉर्ब करता है, एच न्यू एनर्जी अब्सॉर्ब करता है क्वांटा एच न्यू, और यहां से जो मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांजिट होके कहाँ चले जाते हैं, ई एम एनर्जी लेवल में। ये इसने अब्सॉर्ब किया और ये ई एन एनर्जी लेवल से ई एम एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह का, इससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कैसा स्पेक्ट्रम होगा? अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल ने अब्सॉर्ब किया है, और यहां से अब्सॉर्प्शन के दौरान जब ट्रांजिशन होगा, तो उस ट्रांजिशन के दौरान जब स्पेक्ट्रम मिलेगा हमें, वो अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी जो होगी, एनर्जी डिफरेंस जो होगा दोनों का, वो किसके बराबर होगा? ई एम माइनस ई एन के बराबर होगा, जो आगे किसके बराबर होगा? एच न्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दूसरे तरह का एक और स्पेक्ट्रम मिलता है हमें, ई एम ई एन। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है मॉलिक्यूल्स, वो क्या करते हैं, वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहते हैं, और ग्राउंड स्टेट में जैसे ही आना चाहेंगे, वो एनर्जी इमिट करेगा, यहां से एच न्यू एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, और ई एम से उसका ट्रांजिशन हो गया है ई एन एनर्जी लेवल में। ओके, मॉलिक्यूलर एनर्जी का ट्रांजिशन हो गया ई एन एनर्जी लेवल में। तो यहां से जब इमिशन होगा एच न्यू का, तो तब जब हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो किस तरह का स्पेक्ट्रम कहलाएगा? इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। कैसा स्पेक्ट्रम कहलाएगा? इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब्सॉर्प्शन और इमिशन दो तरह के जो है आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम देखने को मिलते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन पढ़ते हैं मैटर के साथ। ये रेडिएशन से एक फोटोन आया, अब्सॉर्प्शन हुआ, मैटर था, मैटर के मॉलिक्यूल है, अब्सॉर्प्शन हुआ, ट्रांजिशन हुआ, ओके, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट से वापस इसने इमिट किया और ये ग्राउंड स्टेट में आ गया। ओके, तो इस तरह से अब्सॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम जो है हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की जब बात करते हैं हम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में जो है सिलेक्शन रूल की जब बात करते हैं, सिलेक्शन रूल बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा सिलेक्शन रूल क्या है, जैसे जैसे हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिलेक्शन रूल में क्या बात कर रही हूँ। ठीक है,
तो सिलेक्शन रूल भी यहाँ पे दो तरह के होते हैं, ग्रॉस ओवर सिलेक्शन रूल, ग्रॉस ओवर ओवर सिलेक्शन रूल और मैथमेटिकल मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल। ठीक है, अभी इसको रहने दो, अभी रहने दो इसको, आगे में जब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज की बात हो रही है। यहां सिर्फ इतना ध्यान रखो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ने के लिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में सिलेक्शन रूल का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया बेसिक सी बात, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मैटर का इंटरैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है, हिंदी में आप कहेंगे इसको विद्युत चुंबकीय विकिरण, विकिरण। ठीक है, क्या होती है ये जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है रेडिएंट एनर्जी होती है। ओके, रेडिएंट एनर्जी होती है और ये जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट से मिलके बनी होती है, मैग्नेटिक कंपोनेंट से मिलके बनी होती है। जो भी आप लाइट देख रहे हैं इस वक्त या फिर जो भी आप लाइट हमारे आसपास है वो किससे बनी हुई है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट के मिक्सचर से बनी हुई है, दोनों मिला के जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनती है। ठीक है, ये रेडिएशन जो है कैसे रिलीज होती है, कैसे इमिट होती है, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक चार्ज सॉरी और मैग्नेटिक चार्ज में फ्लक्चुएशन होने के कारण जो है वो रेडिएंट एनर्जी जो है कहीं किसी भी सोर्स से इमिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको रेडिएशन को और सही से देखना चाहे तो किस तरह से हम इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट से जब हम कह रहे हैं कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनी हुई है तो ये किस तरह से रेडिएशन में दर्शाई जा सकते हैं दोनों कंपोनेंट। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यहां पर वर्टिकली आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और ये जो है आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है इस तरह से, फाइन ओके। और यहां पे इस तरह से जो है वो मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, ये आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो भी लाइट है उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट के कैरेक्टरिस्टिक के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, तो पहला गुण तो यही है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, दूसरा है इसमें कि इलेक्ट्रिक जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो गुण है या फिर इनकी जो पहचान है वो किस बेसिस पे की जाती है, उसकी पहचान जो है वो वेवलेंथ के बेसिस पे की जाती है, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य के बेसिस पे की जाती है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे की जाती है कि उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस आधार पे भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पहचाना जा सकता है। और तीसरा जो है वेव नंबर, वेव नंबर के बेसिस पे की जाती है। ठीक है, तरंग संख्या के बेसिस पे, आवृत्ति के बेसिस पे और तरंग दैर्ध्य के बेसिस पे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो है वो पहचान की जाती है। ओके, अब थर्ड जो है इसमें कि रेडिएशन किसी भी फ्रिक्वेंसी की हो, रेडिएशन किसी भी वेवलेंथ की हो या किसी भी वेव
मेंबर की हो, हमेशा उसकी वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है। वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है। जैसे हम कहते हैं, इतना आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश का जो वेलोसिटी होता है, प्रकाश का जो वेग होता है, वो क्या होता है, 3×10^10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 325 nm वाली रेडिएशन के लिए वेलोसिटी अलग हो जाएगी और 700 वाले nm वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए इसकी वेलोसिटी अलग हो जाएगी। नहीं, 325 वाले और 700 वाले दोनों टाइप की रेडिएशन के लिए वेलोसिटी तो हमेशा सेम ही रहेगी, 3×10^10 सेंटीमीटर। प्रकाश का वेग तो यही रहेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी के आधार पर इनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता अलग अलग। ठीक है, तो ये हो गई वेलोसिटी की बात। दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मूव करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रोपेगेशन के लिए या आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मीडियम है तो भी वो मूव कर जाएगी, मीडियम नहीं है, वैक्यूम में है तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो मूव करेगी। ठीक है, प्रोपेगेशन होगा, आगे बढ़ेगी वो, उसको किसी जरूरी नहीं है कि उसको मीडियम ही चाहिए प्रोपेगेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, प्रकाश कहीं से भी आ जा सकता है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब हम बात कर रहे हैं, उसमें जो विजिबल पार्ट है, विजिबल दृश्य प्रकाश की हम बात करते हैं, दृश्य प्रकाश की जब बात करते हैं, अब इस दृश्य प्रकाश या विजिबल रेडिएशन को, विजिबल लाइट को हम एक प्रिज्म से गुजारते हैं, किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, तो क्या होता है कि प्रिज्म से जैसे ही ये बाहर निकलेगी, ये अलग अलग रंगों में बट जाएगी। क्या? अलग अलग रंगों में बट जाएगी। कैसे? एक वाइट लाइट आपने डाली, प्रिज्म से गुजारी वाइट लाइट, तो ये 7 रंगों में बट जाती है, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और ये वायलेट। ठीक है, व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारने पर ये 7 रंगों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इधर इसका डिस्पर्शन हो जाता है प्रिज्म से। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। मैं सम अप कर देती हूँ वापस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट उसमें एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पहचान जो है वो उसके वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर के द्वारा की जा सकती है। तीसरा लिखेंगे कि सभी तरह की रेडिएशन के लिए वेलोसिटी जो है वो सेम होती है। चौथा लिखेंगे कि रेडिएशन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रोपगेशन के लिए या बढ़ने, आगे बढ़ने के लिए किसी तरह के मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वह वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। इसके बाद लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो विजिबल पार्ट है, विजिबल लाइट है, उसको एक प्रिज्म से गुजारने पर जो है वो 7 कलर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, 7 कलर्स में जो है डिस्पर्शन उसका हो जाता है। ठीक है, और इन सबकी वेवलेंथ फिर आगे देखेंगे कि अलग अलग होती है सबकी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है या फिर डिस्पर्शन जो है, ये अलग अलग रंगों में बट जाना जो है वो डिस्पर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्पर्शन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम के अलग अलग रीजन के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो वेवलेंथ के बेसिस पे जो है इसको अरेंज किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे इसको अरेंज किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ओके, जिसमें आप देखेंगे
कि लेफ्ट से आप राइट की तरफ बढ़ते हैं तो वेवलेंथ लैम्डा यहां पे क्या है, वेवलेंथ, वेव लेंथ लैम्डा जो है इसका इंक्रीज होता है। लेफ्ट से राइट में बढ़ते हैं तो लैम्डा जो है वो इंक्रीज होता है। कैसे? कॉस्मिक रेज का जो वेवलेंथ है जो कि स्पेस में आपको मिलता है, कॉस्मिक रेज का जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम होता है। फिर जैसे जैसे बढ़ोगे, एक्सरे का वेवलेंथ कॉस्मिक से ज्यादा, अल्ट्रा का एक्सरे से ज्यादा, उसके बाद जो है ये आगे आपका विजिबल रीजन, ठीक है, वेब क्योर, ओके। फिर आपका जो रीजन आएगा वो आईआर का आएगा। आईआर में भी आप इसको दो पार्ट में सेपरेट डिवाइड करेंगे, नियर और फार आईआर, ठीक है। तो नियर आईआर पहले आएगा, फार आईआर बाद में आएगा, उसके बाद माइक्रोवेव रीजन और उसके बाद जो है रेडियो वेव रीजन। तो रेडियो वेव रीजन का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जो है आप अगर राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो कॉस्मिक रेज का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, न्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी जो है राइट से लेफ्ट में जाने पर बढ़ता है और वेवलेंथ जो है लेफ्ट से राइट में जाने पर बढ़ता है। तो कॉस्मिक रेज का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है और वेवलेंथ बहुत कम होता है। रेडियो वेव का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सबसे कम होता है। तो ये पूरा आपका स्पेक्ट्रम है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इसके बाद जो है आपको इनके रीजन अलग अलग वेवलेंथ जो है आपको बुक से देख लेना। बुक से देखने का मतलब इतना है कि इसको आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको बस नॉलेज होनी चाहिए कि ये रीजन होता है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ बुक में आपके टेबल दी हुई है, ठीक है, ये टेबल दी हुई है और ये रीजन लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्षेत्र सबके, कॉस्मिक के, आईआर के, गामा के, एक्सरे के, यूवी के, ठीक है, नियर यूवी, फार यूवी, विजिबल, इन सबकी जो है यहाँ पर वेवलेंथ भी लिखी हुई है और फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो है इसकी एनर्जी भी, तो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ जो है वेवलेंथ देख लेना, इनकी वेवलेंथ देख लेना अलग अलग, और नॉलेज होनी चाहिए कि किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, ठीक है। और अगर आपको मेमोराइज करना है तो विजिबल विजिबल आईआर और माइक्रोवेव, यूवी विजिबल आईआर और माइक्रोवेव, ये इम्पोर्टेंट है, इनकी आपको मेमोराइज कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो चलेगा, ओके। क्वेश्चन में भी आएगा तो लगभग लिखा हुआ ही देते हैं, ठीक है, मेंशन करके देते हैं, तो मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, पर इसको एक बार देख लेना जरूर, ठीक है, किस तरह से होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, और हाँ एक और टेबल है सोर्स की, एक और टेबल है सोर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये लिखे हुए हैं सारे विकिरण, जो भी रेडिएशन है कॉस्मिक रेज के लिखे हुए हैं, और इसके साथ जो है इनके सोर्स भी लिखे हुए हैं, इसके साथ जो है वो इनके सोर्स भी लिखे हुए हैं। तो आप एक बार इसको बस देख लेना कि क्या है, याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, सोर्स देख लेना, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, ओके, तो यहां पर हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में देख लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की। और हमने बात की है अभी फ्रीक्वेंसी की बात की, वेवलेंथ की बात की, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर होता क्या है, ताकि कंसेप्ट के अच्छे से बिल्ट हो, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वेवलेंथ की, बात करेंगे तो वेवलेंथ को आप हिंदी में तरंग दैर्ध्य पे कहते हैं। वेवलेंथ होता क्या है, तो वेवलेंथ को समझने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वेव जो है एक साइकिल इस तरह से कंप्लीट करती है, ओके, ये एक एक्सेस है, ठीक है, और ये वेव का पूरा जो साइकिल है वो इस तरह से होता है, एक क्रेस्ट होगा, दूसरा गर्थ होगा, ठीक है, क्रेस्ट होगा और गर्थ होगा। तो यहां पर जो है ये क्रिस्ट, ये आपका कहेंगे थ्रोज, ओके, गर्थ और क्रिस्ट। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि ये इसका साइकिल है, ये क्रिस्ट है, ये गर्थ है, एक क्रिस्ट और एक गर्थ मिला के पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है वेव का। तो दो क्रिस्ट के बीच की दूरी, दो
क्रिस्ट के बीच की दूरी या फिर दो गर्त के बीच की दूरी किसके बराबर होती है? वेवलेंथ के बराबर होती है। दो क्रिस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रॉल्स के बीच की दूरी जो है वो किसके बराबर होती है? लैम्डा के बराबर होती है, वेवलेंथ के बराबर होती है। ठीक है, बस यही था इसका मतलब वेवलेंथ का यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो वैल्यूज आपको याद कर लेनी है, ये इम्पोर्टेंट वैल्यूज है। ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तब यूनिट कन्वर्जन के दौरान ये जो वैल्यूज है वो बहुत काम आने वाली है। तो कम से कम बेसिक ये चीजें तो आपको नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, एक एंगस्ट्रम जो है वो 10^-8 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 10^-10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। 1 μ की वैल्यू सेंटीमीटर और मीटर में क्या होगी? 1 mmicron की वैल्यू जो है सेंटीमीटर और मीटर में क्या होगी? वो सब जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बेसिक सी चीजें हैं समझने की और कुछ चीजें हैं वो आपको याद ही करनी है। ठीक है, ये आपको याद कर लेनी है यूनिट, ताकि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो आप इसे आसानी से जो है यूनिट कन्वर्जन अगर भी पूछा जाए तो आसानी से आप कर सके सॉल्व। ठीक है, हम सॉल्व भी करेंगे तब समझ में आएगा किस तरह से यूज होगा। दूसरा जो पॉइंट है यहां पर फ्रीक्वेंसी, दूसरा टर्म है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। ओके, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकंड में, क्या 1 सेकंड में किसी एक पॉइंट से कितनी वेव जो है वो पास हो सकती है। 1 सेकंड में किसी एक स्लिट से या किसी एक पॉइंट से कितनी वेव्स जो है वो पास हो सकती है वो आपकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो साइकिल पर सेकंड होती है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? साइकिल पर सेकंड होती है, या फिर इसके अलावा इससे यूनिट जो है इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। ओके, अब यहाँ पे भी यूनिट कन्वर्जन का इम्पोर्टेंट रोल है। 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है? 1 हर्ट्ज जो है 1 साइकिल पर सेकंड के बराबर होता है, दोनों एक ही है। ठीक है, अब 1 kHz अगर दिया हुआ हो तो किलो हर्ट्ज किसके बराबर होगा? 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है। और अगर 1 MHz दे दिया क्वेश्चन में तो वो किसके बराबर, अगर आप लिख सकते हैं पूछे तो कि हर्ट्ज में वैल्यू बताओ, तो वो किसके बराबर लिख सकते हैं? 10^6 हर्ट्ज के बराबर 1 MHz होता है। ठीक है, इसके अलावा मैथमेटिकली अगर आप कहें कि फ्रीक्वेंसी को किस तरह से डिफाइन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? वेवलेंथ के। फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है सी। ओके, और ये कांस्टेंट सी बाय लैम्डा आ गया। सी यहां पर क्या है? सी यहां पर जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है यहां पर सी। ओके, तो अब यहां पर नेक्स्ट जो टर्म है, ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी की बात, नेक्स्ट जो टर्म है वो है वेव नंबर या फिर तरंग संख्या। वेव नंबर या तरंग संख्या, तरंग संख्या क्या होती है? तरंग संख्या होती है कि 1 सेंटीमीटर के स्पेस से, 1 सेंटीमीटर के स्पेस से कितने नंबर ऑफ वेव्स जो है, टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पास हो सकती है। ओके, क्या 1 सेंटीमीटर के स्पेस से टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो पास होती है वो उस वेव का क्या कहलाता है? वेव नंबर कहलाता है। ठीक है, वेव नंबर को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? न्यू बार से, जो कि किसके बराबर होता है? बराबर होता है 1/λ के। क्लियर? ओके, अगर यहां पर आपको फॉर्मूला चेंज करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या आगे यूज होगा, इस 1/λ को मैं मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं किससे? वेलोसिटी ऑफ लाइट से,
तो डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो म्यू बार इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा सी, और ये लिखा जाएगा म्यू बार इज इक्वल टू म्यू बार सी, ये सी उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, और सी बाय लैम्बडा किसके बराबर था, न्यू के बराबर था, तो सी न्यू बार सी इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर लिखा जा सकता है, वेव नंबर इनटू सी के बराबर लिखा जा सकता है, क्लियर। तो इस तरह से आप फॉर्मूला चेंज कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अपना डिराइव कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं एनर्जी, फाइनली नेक्स्ट चलते हैं एनर्जी पे, ऊर्जा क्या होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, हम क्वांटम में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम वेव फॉर्म में भी देखते हैं और पार्टिकल फॉर्म में भी देखते हैं, ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है। वेव का कैसा नेचर होता है, ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो यहाँ पर हम दोनों ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्वांटम के केस में जैसी हमारी जरूरत है वैसा हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एनर्जी जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करेंगे तो वो क्वांटा की फॉर्म में करेंगे, एनर्जी जो यूज करेंगे वो क्वांटा की फॉर्म में करेंगे। क्वांटा क्या होता है, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, क्वांटा को हम कहते हैं, एनर्जी के जो पैकेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अब्सॉर्ब की गई है और जो इमिट की जाएगी, ठीक है, वो जो है एनर्जी के पैकेट जो है वो क्वांटा कहलाएंगे, ठीक है। तो वन क्वांटा जो है उसकी एनर्जी किसके बराबर आप कह सकते हैं, एच न्यू के बराबर कह सकते हैं। अब आपको अगर एनर्जी का जो है रिलेशन बिठाना है किसके साथ, न्यू बार के साथ या वेव नंबर के साथ रिलेशन देखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेव नंबर क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेव नंबर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू बार सी। मैंने अभी लिखा था यहाँ पे न्यू किसके बराबर होता है, न्यू बार सी के बराबर होता है, तो यहाँ पे न्यू की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, E इज इक्वल टू एच न्यू बार सी। न्यू बार सी किसकी जगह रख दिया, न्यू की जगह, ठीक है। अब अगर मुझे रखना है वेव लेंथ के बीच में एनर्जी का रिलेशन देखना है, तो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेव लेंथ तो कैसे देखेंगे, न्यू ये देखो न्यू किसके बराबर होता है, सी बाय लैम्बडा। लैम्बडा यहाँ पे क्या है, वेव लेंथ है, तो न्यू की जगह मैं क्या लिख दूंगी, सी बाय लैम्बडा लिख दूंगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्बडा। तो यहाँ पर ये एनर्जी का रिलेशन हो गया लैम्बडा के साथ, ये एनर्जी का रिलेशन हो गया वेव नंबर के साथ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, अब्सॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने देखी ली कि अब्सॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ओके। उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल आप डिटेल में पढ़ना, मैं भी आगे डिस्कस करूंगी, ओके। तो आज की क्लास बस यहीं तक, थैंक यू।